डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के तिवारी आपको मैथमेटिक्स 10 CBSE के रियल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में शुरू कर रहा हूं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको कल का बताया जा चुका था। हम सेकंड क्वेश्चन बताना शुरू कर रहे हैं। आप ध्यान से समझते जाइएगा, इस एक्सरसाइज में कुछ थियरम्स भी हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हैं। आप सभी लोग समझते जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को होगी तो हमसे बेहिचक पूछ लेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज 1.1 बुक में देखिए, पहला क्वेश्चन तो हो चुका है, सेकेंड क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। देखें, क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड नंबर, मतलब जितने भी पॉजिटिव ऑड नंबर हैं सब, ठीक है, तो सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5। आपको ये प्रूफ करना है, देखिए आपको प्रूफ ये करना है कि किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो वह ऑड पॉजिटिव इंटीजर 6q+1, 6q+3, 6q+5 के फॉर्म का होगा। यही हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन आप लोग समझ गए अच्छी तरह से। क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ये प्रूफ कीजिए या शो करिए, दिखाइए कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं या जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं, ये सब 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म के होंगे। तो ये पूरा एक्सरसाइज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस है। हम इसको देखेंगे, आप ध्यान पूर्वक समझेंगे। अब चूंकि ये क्वेश्चन प्रूफ करने वाला है तो इसको हम प्रूफ करेंगे, और यहां हम लिखेंगे प्रूफ। और आपको ध्यान देना होगा, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा था सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हम मान लेंगे, सपोज दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ए, स्मॉल ए। ठीक है बेटा, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं और आप हमारे साथ समझते जाएंगे, उतारते जाएंगे, और कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, सपोज नोट करेंगे, सपोज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज स्मॉल ए। हमने मान लिया, समझते जाओ बेटा, सॉल्व करते जाओ। हमने मान लिया कि ए कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, और ये देखिए आप जरा, प्रूफ जो करना है उसमें क्यू का कोफिशियंट 6 है, तो ए तो हमने माना है, और यहां जो क्यू का कोफिशियंट होता है उसको हम बी मानते हैं, बी इजकल टू हो जाएगा 6। ध्यान दीजिएगा और समझते जाइए अच्छी तरह से। हमने मान लिया है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर स्मॉल ए है, और क्यू का जो कोफिशियंट होगा उसको हम बी मानेंगे। और फिर हमने रिमाइंडर के बारे में आपको बताया था कि रिमाइंडर की वैल्यू बी से हमेशा कम होती है, वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 6, हेंस रिमाइंडर आर इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 and 5। आप ये दिमाग में रखे रहिएगा कि आर की जो भी वैल्यू होगी वो 6 से कम होगी। ठीक है, अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे बाय यूक्लिड
by Euclid division algorithm. By Euclid division algorithm, और Euclid division algorithm आपने देखा था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, ठीक है बेटा, समझते जाइए, हम पूछते हैं तो बीच में बोलिए हमारे साथ। तो Euclid division algorithm a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, और हमने माना है कि odd positive integer small a है, तो small a इज इक्वल टू देखें b की वैल्यू हो जाएगी 6q प्लस r। अब हम r की वैल्यू देखिए इतनी ढेर सारी है, r की वैल्यू 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। अब हम यहाँ पे r की वैल्यू, लेकिन एक बात ध्यान में रखे रहिएगा, आपसे कहा जा रहा है odd पॉजिटिव इंटीजर odd। तो देखिए जब हम r की वैल्यू odd नंबर लेंगे, जब हम r odd नंबर लेंगे तभी a की वैल्यू odd आएगी। तो देखिए हम r इक्वल टू जीरो नहीं लेंगे, r इक्वल टू जीरो लेंगे तो इवन पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। तो r इक्वल टू हम जीरो नहीं लेंगे, r इक्वल टू 1 लेंगे, 3 लेंगे और 5 लेंगे, ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है आप लोगों को। अब चलिए पुटिंग r इक्वल टू 1, हम r के जगह पे 1 रख रहे हैं, तो फिर देखिए क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू 6q और r के जगह पे 1 हो गया। तो ये देखें a जो है odd पॉजिटिव इंटीजर है, तो अब odd पॉजिटिव इंटीजर जब हम r के जगह पे 1 रखे हैं तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 आ गया। और अब अगर हम r इक्वल टू, देखिए हम r इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, हम r के जगह पे 1 रखेंगे, 3 रखेंगे, 5 रखेंगे। अगर हमसे इवन पॉजिटिव इंटीजर कहता, अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता तो हम r के जगह पे 0 रखते, 2 रखते, 4 रखते, लेकिन इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं कह रहा है, odd पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है। तो r की जितनी odd वैल्यूज होंगी उन odd वैल्यूज को रखेंगे। तो हमने r के जगह पे 1 रखा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे बेटा, कि पुटिंग r इक्वल टू, बोलिए क्या रखेंगे, r इक्वल टू 3 रखेंगे, क्योंकि हमको odd नंबर लाना है। तो अगर r के जगह पे 3 होगा देन a इक्वल टू 6q प्लस 3 हो गया। और अगर हम r के जगह पे 5 रख देते हैं, पुटिंग r इज इक्वल टू 5 देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 हो जाएगा। देखिए बेटा, तो फर्स्ट odd नंबर, फर्स्ट odd इंटीजर ये हुआ, सेकंड odd इंटीजर ये हुआ, थर्ड odd इंटीजर ये हुआ। हम लोगों को यही प्रूफ करना था, ठीक ना, हम लोगों को यही प्रूफ करना था कि जितने odd पॉजिटिव इंटीजर हैं वो या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म के होंगे, या 6q प्लस 3 के फॉर्म के होंगे, या 6q प्लस 5 के फॉर्म में होंगे। अब इसके बाद यहां लास्ट में लिख दिया जाएगा, ठीक ना, हेंस क्या कहेंगे, हेंस any positive odd integer in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। आप नीचे लास्ट में लिख लीजिए, इतना कर लिए सब लोग ना, चलिए लास्ट में लिख लीजिए, hence लिखिए, hence we can say that, नोट कीजिए, इसके बाद इसको सॉल्व कर लियो बेटा, सब लोग सॉल्व कर लेना चाहिए साथ में ना, लिखें hence we can say that, नोट करिए, hence we can say that All positive odd integers in the form of 6q plus 1, comma 6q plus 3, comma 6q plus 5, that proved। ठीक है, ये पहला question clear हुआ? Any problem all of you? No sir।
किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जब हम आपको बतावें तो आप समझते जाएं, और साथ में जब हम लिखें तो उतारते जाएं आप, ठीक ना? आप रुकें नहीं, क्योंकि अब आप क्लास टेंथ में चले गए हैं और फिर हाफ ईयरली एग्जाम जो होगा वो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, और हम समझते हैं कि वो एग्जाम आपका सितंबर में ही होगा, तो तब तक हम लोगों का हाफ ईयरली का कोर्स खत्म कर लेना है सितंबर तक। तो चले हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बताने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप अपने बुक में, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्या दिया हुआ है। देखो बेटा, इन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एनी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन द परेड। आपसे बताया जा रहा है, देखें आप 26 जनवरी या रिपब्लिक डे के दिन आप देखते हैं परेड होता है, ठीक ना? हर पुलिस लाइन में परेड होता है लाल, ठीक ना? तो अब आप ऐसे समझ लीजिए कि कहा जा रहा है कि आर्मी की एक टुकड़ी है, क्वेश्चन समझिए ध्यान से, आर्मी की एक टुकड़ी है जिसमें टोटल 616 मेंबर हैं। देयर आर 660 मेंबर्स इन आर्मी कंटिंजेंट, यही आपसे कहा जा रहा है। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन में आपसे यही कहा जा रहा है कि आर्मी की एक टुकड़ी है और उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर 616 है, और ये 616 क्या करते हैं तो 32 बैंड वाले लोग हैं। बैंड आगे से देखते हैं, बैंड बजाते हुए जाते हैं, पीछे से लोग परेड करते हुए जाते हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि 616 मेंबर 32 बैंड वालों के पीछे परेड करते हुए जा रहे हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। दो ग्रुप उनका बनाया गया है जिनमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम है। बात समझ में आ रही बेटा? तो नंबर ऑफ कॉलम सेम है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा जा रहा है। एक बात आप अपने दिमाग में रख के रहिएगा कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, जब भी मैक्सिमम, जहां मैक्सिमम वर्ड आएगा वहां आपको एचसीएफ फाइंड कर रहा होता है। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको ये ज्ञात करना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। जो मार्च हो रहा है उस मार्च में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा। तो क्वेश्चन सभी बच्चे समझ गए आप लोग? क्वेश्चन यही कहा जा रहा है कि 616 मेंबर हैं आर्मी की टुकड़ी में, जिनके दो ग्रुप बनाए गए हैं और 32 बैंड वाले हैं उनके पीछे पीछे उनको परेड करना है। दोनों ग्रुप में नंबर ऑफ जो कॉलम है वो सेम है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो जब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आपसे पूछा जा रहा है, इट मींस वी वांट टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। बात समझ आ रही है? तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का सलूशन होगा। अगर प्रूफ करने के लिए कहा कहेगा तो उसका प्रूफ करेंगे हम लोग, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रूफ करना था, क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूफ करना था, लेकिन यहां पर हमें प्रूफ नहीं करना है, यहां क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब यहां लिख देंगे हम लोग सलूशन, और देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा जा रहा है, तो यहां हम नोट कर देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ये आपसे पूछा जा रहा है,
मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ 616 and 32। इसको आप दिमाग में रखे रहिएगा, आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा जा रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होगा वो 616 और 32 के एचसीएफ के इक्वल होगा। और एचसीएफ फाइंड करने का मेथड आपने देखा है, मेथड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, ठीक है बेटा। तो चलें आप ध्यानपूर्वक देखें, हम देखते हैं। हमने आपको बताया था कि जो लार्ज नंबर होता है वो ए होता है और जो स्मॉल नंबर होता है वो बेटा बी होता है, समझ रहे हो आप सभी लोग। तो यहाँ हम नोट कर लेंगे ए इज इक्वल टू 616 एंड बी इज इक्वल टू 32। और हमें ये भी कहा था कि इसको सब सॉल्व करना होता है तो रफ वर्क साइड में हम कर लेते हैं, ठीक ना, जिस मेथड से हम लोअर क्लास में किए हैं 6, 7, 8 में, तो उस मेथड से हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसका रफ वर्क कर लेते हैं। और रफ वर्क करने के लिए देखिए 32 से हम 616 को डिवाइड करेंगे। अब बताइए ये कितनी बार डिवाइड होगा, सबसे पहले तो वन टाइम ले जाइए तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 32, आप माइनस कीजिए तो ये हो गया आपका 11, और यहाँ 11 हो जाएगा ना, तो 11 माइनस 2 क्या होगा 9 हो गया, यहाँ हो गया आपका 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ इसको 6 ला देंगे। अब देखिए अब कितनी बार डिवाइड होगा बेटा, अब कितनी बार ले जाएंगे तो इसके नियरेस्ट नंबर मिलेंगे, अब जल्दी से मल्टीप्लाई करके हमको बताइए कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नियरेस्ट नंबर आएगा, 8 टाइम। तो अब बताइए 8 टाइम करेंगे और 9 टाइम नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, तो वो बताइए, तो 9 टाइम्स अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 32 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 288 हो जाएगा। अब यहां से आप माइनस कर लीजिए तो जल्दी बोलते चलिए आप लोग, यहां आ जाएगा 8। अब देखिए आप, तो 616 को हमने 32 से डिवाइड किया तो 19 टाइम डिवाइड हुआ, ठीक ना, और रिमाइंडर आया कितना, 8 आया। अब यहां लिखेंगे By Euclid division algorithm, ठीक है बेटा, यहां लिखा जाएगा by Euclid division, हमारे साथ आप लोग करते जाएं, Euclid division algorithm। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये हमने बताया कि a इक्वल टू 616 होता, और देखिए a इक्वल टू होता है BQ+R, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखें तो a के जगह पे 616 और देखो b के जगह पे हो जाएगा 32 और कोसेंट, कोसेंट का मतलब कितनी बार डिवाइड हुआ है, तो कितनी बार 19, आप प्लस आर का मतलब क्या होगा बेटा, रिमाइंडर होगा, तो ये हो गया आपका 8। लेकिन एक चीज सुनिए, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि पूरा डिवाइड ना हो जाए, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए आर की वैल्यू क्या है बाबू, आर की वैल्यू 8 है, इट मींस आर इज नॉट इक्वल टू 0। जब R की वैल्यू 0 नहीं होगी तो हम फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो चलिए देखिए, अब देखिए क्या होगा, अब हम 8 से डिवाइड करेंगे 32 को, 8 से डिवाइड करेंगे 32 को तो कितना होगा बेटा, 4 टाइम, ये हो गया 32। अब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये रफ वर्क है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक ना। तो जब पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो अब यहां से ये प्रोसेस फिनिश हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अब फिर हम आगे नहीं करेंगे। तो फिर देखिए, अब यहां पर
जो लार्ज नंबर है 32 है और स्मॉल नंबर क्या है 8 है, तो लिख दिया जाएगा a इज इक्वल टू 32 एंड b इज इक्वल टू 8। और फिर यह लिखा जाएगा अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, लिखा जाएगा जे अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये देखिए 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 और यहां रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो हो गया, रिमाइंडर जीरो हो गया। तो जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और सुनिए, सबसे लास्ट में जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे होते हैं, वही एचसीएफ होता है, ठीक ना। तो यहां लिख देंगे HCF ऑफ, यहाँ HCF ब्रैकेट में 616 32 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये हुआ कि 616 और 32 का जो HCF है वो 8 के इक्वल है, ठीक है बेटा। तो आपसे पूछा जा रहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन आर्मी कंटेंजमेंट, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस, नोट कीजिए, हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन एन आर्मी कॉन्टिजेंट, आर्मी कॉन्टिजेंट CONTINGENT इज इक्वल टू एट। और इतना करने के बाद लास्ट में आप आंसर लिख देंगे, ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। अब हमें आप बताइए कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई इस क्वेश्चन में, एनी ऑफ यू क्लियर है बेटा? चलिए, तो अब हम ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर जो है फिर ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, और टफ नहीं है, बहुत इजी है, इसको हम तैयार करते जाएंगे। और देखिए एक एक दिन भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक एक्सरसाइज करते जाएं। बाय द वे अगर किसी का छूट जाएगा तो वो घर जा करके आराम से बैठ करके और जो पीछे का छूटा हुआ है वो देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर फोर, यूज देखिए बुक में अपने, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए टू सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। समझो बेटा, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इज आइदर ऑफ द फॉर्म थ्रीएम आर थ्रीएम प्लस वन फॉर सम इंटीजर यम। क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो और उस पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर करेंगे तो वह स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म में आएगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। बात समझ में आ रही बाबू सबको? तो चले हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। और यहाँ हम लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ही यूज करना है। तो हम मान लेंगे कि सपोज एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ए, ठीक है। अब इसको प्रूफ करना होगा हम लोगों को, तो यहां प्रूफ हम हेडिंग डाल लेंगे, इसके बाद प्रूफ करेंगे। सपोज
नोट कीजिए, सपोज एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ए. हमने मान लिया कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर. और सुनो बेटा, क्या प्रूफ करना है 3m 3m+1 के फॉर्म में. तो यहां पर जो m का कोफिशियंट आता है ना, ये m का कोफिशियंट ही b होता है. m का कोफिशियंट ही b होता है. तो अब देखिए, तो हमने तो पॉजिटिव इंटीजर a मान लिया और b इक्वल टू हो जाएगा 3. और अभी हमने बताया कि r की जो वैल्यू होती है वो हमेशा b से कम होती है. तो r इज इक्वल टू हम यहां करेंगे क्या, 0 करेंगे, 1 करेंगे और 2 करेंगे. बात समझ में आ रही बेटा? हमेशा ये ध्यान में रखे रहना है आपको कि r की जो वैल्यू होती है वो हमेशा b से कम होती है. अब अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक ना, या लिख देंगे बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर होता है. हम सबकी वैल्यू रखते हैं, हमने तो इंटीजर ए माना है और देखिए बी की वैल्यू क्या है बाबू, 3 है, क्यू और हम ये आर. अब R की वैल्यू बारी बारी से हम रखते हैं यहां पर, तो R के जगह पे हम 0 रखते हैं सबसे पहले. पुटिंग R इज इक्वल टू 0. देखिए R के जगह पे हम 0 करेंगे तो A इज इक्वल टू 3q+0 आ जाएगा. इट मीन्स A इज इक्वल टू 3q. और सुनिए, क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा था, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, अब इस पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक ना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. नोट करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर. और ये क्या होगा बेटा, 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर. और फिर देखिए ए स्क्वायर इजकल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3q² क्यों, देखिए 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 हो जाएगा और ये हो गया q² चूंकि 3 के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिखना है इसलिए हम 3 को सेपरेट कर लेते हैं. और ये जो 3q² है, इस 3q² के जगह पे हम यम रख दे रहे हैं, 3q² के जगह पे यम रख दे रहे हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा 3 और इसके जगह पे हो गया यम. इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर वो 3m के फॉर्म में होगा. अब हम सेकंड देखते हैं, अब हम अभी तो r के जगह पे 0 किए थे, अब हम r के जगह पे 1 करेंगे, ठीक ना, r के जगह पे 1 करेंगे. और फिर देखिए r के जगह पे 1 करेंगे तो फिर क्या होगा, पुटिंग r इज इक्वल टू 1. देखिए r के जगह पे 1 रख रहे हैं फिर क्या मिल रहा है, देखें a इज इक्वल टू 3q और r के जगह पे 1 हो जाएगा. अब हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड आप नोट कर लेंगे, ठीक ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमारे पास जगह कम है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अब देखिए स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर और ये हो गया 3q+1 का स्क्वायर, ठीक है बाबू. तो अब हम करते हैं स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q+1 का स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर देंगे. तो अब देखिए पहले वाले का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9q², दूसरे वाले का स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा और दोनों का मल्टीप्लीकेशन का ट्वाइस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6q+1. ध्यान दीजिएगा,
ये है पहले वाले का स्क्वायर, ये दूसरे वाले का स्क्वायर, और ये है दोनों के मल्टीप्लीकेशन का ट्वाइस। फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इजकल टू, देखिए थ्री थ्री के फॉर्म में लाना, इन दोनों में से हम थ्री कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से हम थ्री कॉमन ले लेंगे, थ्री कॉमन ले लिए क्या हुआ बेटा, यहां हो गया थ्री क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका टू क्यू प्लस वन। और यहां पर हम इतने के जगह पर, ठीक ना, इसके जगह पे हम यम कर देंगे, इसके जगह पे थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू कर लीजिए, फिर ऊपर हम लिखते हैं, तो थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू के जगह पे हम यम कर देंगे, तो ए स्क्वायर इजकल टू थ्री, इसके जगह पे हो गया एम प्लस वन। बात समझ आई आप लोगों को? तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा कि देखिए जब r के जगह पर हमने जीरो रख करके सॉल्व किया था तो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m के फॉर्म में आया, जब r के जगह पे वन करके हमने स्क्वायर किया तो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m प्लस 3m प्लस वन के फॉर्म में आया। तो अभी r की वैल्यू तो एक और है भाई, आर की थ्री वैल्यू है ना, आर इजक्वल टू जीरो है, वन है, टू है, तो अभी हम आर के जगह पे जीरो रखे हैं, वन रखे हैं, अभी हम आर के जगह पे टू नहीं रखे हैं, तो आर के जगह पे टू भी रखेंगे, इसको हम इरेज कर दें। yes, चलिए इरेज करके फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर हम आर के जगह पे टू रखेंगे, पुटिंग आर इजक्वल टू टू, नोट कर लेंगे आप, पुटिंग पुटिंग r इजकल टू टू, तो देखिए क्या हो जाएगा, a इजकल टू थ्री क्यू प्लस टू हो जाएगा। अब स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे हम, चलिए फिर लिख लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, नोट कर लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा ये बार बार हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा है कि स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव नंबर, तो हम पॉजिटिव नंबर माने हैं ए और उसका स्क्वायर करेंगे तभी तो ए स्क्वायर होगा, तो यही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नोट कीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो देखिए ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और ये है बेटा थ्री क्यू प्लस टू का स्क्वायर, ए स्क्वायर इजकल टू, देखिए फिर वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखिए फिर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका नाइन क्यू स्क्वायर और दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, और फिर दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ट्वाइस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ट्वाइस करेंगे तो थ्री टू जा सिक्स और सिक्स टू जा ट्वेल्व, ये हो गया आपका ट्वेल्व क्यू। फिर ए स्क्वायर इजकल टू, देखिए हम इसको लिख रहे हैं नाइन क्यू स्क्वायर, और ये देखिए 12q को हम पहले लिख रहे हैं और ये 4 है ना, देखो बेटा 4 को हम लिख दे रहे हैं 3 प्लस 1, 4 को हम 3 प्लस 1 के फॉर्म में कर दे रहे हैं, बाबू समझ जाना सबको। अच्छा अब देखिए a स्क्वायर इजकल टू, अब 3 के ही फॉर्म में लाना है तो इन तीनों में से हम 3 कॉमन ले लेंगे, और जानते हो 3 कॉमन लेने के लिए ही 4 को हम 3 प्लस 1 के फॉर्म में किए हैं ताकि हम थ्री कॉमन ले सकें। अब इसमें से थ्री कॉमन ले लेते हैं तो थ्री कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा बेटा, थ्री क्यू स्क्वायर, बोला करिए आप लोग ना, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा फोर क्यू प्लस यहाँ हो गया वन प्लस हो जाएगा वन। अब इतने को हम यहाँ यम मान लेंगे, ठीक ना, ये फोर क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन को हम यम मान लेंगे, तो ए स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा थ्री और ये हो गया एम प्लस वन। तो आपने देखा कि आर के जगह पर जब हम जीरो रख करके स्क्वायर किए थे तो वह थ्री एम के फॉर्म में आया था, और आर के जगह पर जब हम वन करके स्क्वायर किए थे तो थ्री एम प्लस वन के फॉर्म में आया था, आर के जगह पर टू रख करके जब स्क्वायर किए थे तो भी थ्री एम प्लस वन के फॉर्म में आया। तो अब यहां से प्रूफ हो रहा है, क्या प्रूफ हो रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। बात समझ आ रही बेटा, अब लिख लीजिए लास्ट में हेंस, लिख लास्ट में हेंस
स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर आइदर द फॉर्म ऑफ आइदर द फॉर्म ऑफ थ्री एम और थ्री एम प्लस वन और लास्ट में कर देंगे दैट प्रूफ्ड। ठीक है बेटा, बोलिए क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको ना? Yes. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव भी बिल्कुल इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर फाइव भी बिल्कुल इसी तरह का है। देखें क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर था, समझ रहे हैं आप लोग? इसके पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर था, और यहां पर स्क्वायर नहीं क्या है, क्यूब ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, बोलिए किस क्या है, 9m और 9m प्लस 1 और क्या है बेटा 9m प्लस 8। आपको यही प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर हो और उस पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करेंगे तो वह या तो 9m के फॉर्म में होगा, या 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको प्रूफ करना शुरू करें हम लोग ना। चलिए क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। तो अब जो है प्रूफ, और वही लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज स्मॉल a। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, लेट या सपोज कुछ भी ले सकते हैं। लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज स्मॉल a, और देखिए किसके फॉर्म में प्रूफ करना है, 9m। तो क्या करेंगे बेटा, b इज इक्वल टू हम लोग मान लेंगे 9, और r की वैल्यू क्या होगा, r की वैल्यू 9 से कम होगी। हम हमेशा आपको बताए हैं कि r की वैल्यू जो है b से कम होगी, और b की वैल्यू है 9, इसका मतलब r की वैल्यू हो जाएगी 0 से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 इतनी वैल्यूज होंगी r की वैल्यू। ठीक है, अब अप्लाइंग क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम और फार्मूला है या एल्गोरिथम क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ध्यान दो बेटा, a इज इक्वल टू b की वैल्यू बोलिए, b की वैल्यू है 9q और r, अब r की वैल्यू हम बारी बारी से रखेंगे, r की वैल्यू बारी बारी से रखेंगे, तो सबसे पहले r की जगह पे 0 रखेंगे, बात क्लियर हो रही सबको ना? तो पुटिंग R इज इक्वल टू 0, अब R इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो A इज इक्वल टू 9q प्लस R के जगह पे 0, यानी A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू हो जाएगा 9q। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अब दोनों साइड का हम क्यूब करेंगे, ठीक ना? तो चलिए हम क्यूब कर रहे हैं दोनों साइड का, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9q का क्यूब,
ठीक है, तो ए क्यूब इजकल टू, जरा 9 का क्यूब बताइए, 9 जाए 81, 81 इंटू 9 729, 729, और ये हो गया आपका क्यू क्यूब। ठीक है बेटा, सबको समझ आ रही बात? अच्छा, अब ये हो जाएगा ए क्यूब इजकल टू, सुन लीजिए, अब 9 के फॉर्म में लाना है, प्रूफ करना है आपको 9 के फॉर्म में, तो जिस फॉर्म में प्रूफ करना है उसी के फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 9 इंटू 81 क्यू क्यूब, समझ रहे हैं आप, 9 इंटू 81 क्यू क्यूब। और अगर 81 क्यू क्यूब के जगह पे हम रख दें तो ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 9 यम, बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वैसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आपने देखा पहली चीज हम लोग को मिल गई, जब r के जगह पर हम जीरो कर रहे हैं तो किसी पॉजिटिव इंटीजर का जब क्यूब कर रहे हैं तो वो 9 यम के फॉर्म में आया है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 1 रख करके देखेंगे। चलिए अब हम r इज इक्वल टू 1 रखते हैं, पुटिंग r इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा, r के जगह पे 1 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 1, और दोनों साइड का हम क्यूब कर दे रहे हैं, हा? तो दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 9 क्यू प्लस 1 का क्यूब। आपको पता है फार्मूला, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया आपका a क्यूब इक्वल टू, हम पहले का क्यूब कर रहे हैं 9 क्यू का क्यूब, तो 9 का क्यूब अभी हम लोग किए थे क्या आया था 729, और क्यू का क्यूब करेंगे तो क्यू क्यूब, और फिर 1 का क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा, और फिर देखिए क्या है 3 इंटू पहले वाले का स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर भी है तो पहले वाले का स्क्वायर, तो 9 क्यू का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और इंटू सेकेंड, ठीक, 3 ए स्क्वायर भी, और प्लस हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर, तो ये हो गया 3, और ए के जगह पे हो जाएगा इंटू 9 क्यू, और बी के जगह पे इंटू हो जाएगा 1। अब चलिए देखिए, हाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका ए क्यूब इजकल टू 729 क्यू क्यूब, और देखिए प्लस ये है 1, और ये देखिए क्या हो जाएगा 81 इंटू 3, 81 इंटू 3 इतना टाइम लगेगा, 243 ना, इतना टाइम लग रहा है 243 क्यू स्क्वायर, आप प्लस ये देखो बेटा क्या हो जाएगा 39 जा बोलिए 27 क्यू। अब हम ऊपर वाला इरेज कर दें, एक पहला वाला तो प्रूफ हो चुका है कि 9 एम के फॉर्म का है, अब देखिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, और फिर हम रख रहे हैं ए क्यूब इजकल टू, देखिए ये है 729 की क्यू क्यूब, इसके बाद इसको हम लिख रहे हैं प्लस 243 क्यू स्क्वायर, अब प्लस है आपका 27 क्यूब, प्लस ये है 27 क्यू, और क्या छूटा है प्लस है 1। अब जानते क्या करेंगे, इन तीनों में से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें 9 के ही फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमें लाना होता है, हम कोशिश करते हैं कि वही कॉमन लें। तो अब ये हो गया आपका ए क्यूब इजकल टू, देखिए इसमें से 9 कॉमन लेते हैं बेटा, तो 9 कॉमन लेंगे बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा ना, 81 क्यू क्यूब, और 9 से इसको डिवाइड कीजिए 243 को, 27 हो जाएगा, नहीं जल्दी बताइए कितना आएगा, 243 को 9 से डिवाइड कीजिए देखिए कितना आ रहा है,
जल्दी 27 ये हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर और प्लस यहां से भी 9 कॉमन है तो ये हो गया 3q और प्लस हो गया 1। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस पूरे को हम मान लेंगे यम, इस पूरे को हम यम मान लेंगे तो a क्यूब इक्वल टू हो गया 9 और इसके जगह पे हो गया यम प्लस 1। इसका मतलब जब r के जगह पर हम 0 रख करके क्यूब कर रहे थे, जब r के जगह पर हम 0 रख करके क्यूब कर रहे थे तो 9m उसकी वैल्यू 9m आई थी, ठीक ना। r के जगह पर हम 0 रख करके क्यूब किए थे तो वह 9m के फॉर्म का आया था, और जब r के जगह पर 1 करके हम क्यूब किए हैं तो यह 9m प्लस 1 के फॉर्म का आया है, ठीक। तो अब देखिए दो चीजें तो मिल गई कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो होता है वो 9m के फॉर्म का होता है और 9m प्लस 1 के फॉर्म का होता है। एक स्टेप और हम लोगों को दिखाना है 9m प्लस 8, ठीक है बेटा, एक स्टेप और हमें दिखाना है। इसको इरेज कर दे नीचे, जल्दी कीजिए, साथ में हमारे करते जाइए, हम नीचे वाला इरेज कर रहे हैं, नीचे वाले से कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए तो r इक्वल टू हमने 0 रख करके देखा है, r इक्वल टू हमने 1 रख करके देखा है, अब r के जगह पे 2 रख करके देखेंगे तो पुटिंग r इक्वल टू 2, हम यहां इरेज करके ऊपर ही दिखा रहे हैं क्योंकि जगह कम है, तो देखिए पुटिंग r इक्वल टू पुटिंग r इक्वल टू 2, देखिए r के जगह पे 2 रख रहे हैं तो फिर क्या था, a इक्वल टू 9q और r के जगह पे 2 रख दिया गया। अब दोनों साइड का क्यूब करेंगे, दोनों साइड का क्यूब करना है, क्यूब क्यों किया जा रहा है, समझ गए आप लोग, क्लियर है ना, क्यूब क्यों किया जा रहा है। अब हम क्यूब कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9q प्लस 2 का क्यूब, और चलिए देखिए तो फिर वही फार्मूला a प्लस बी का क्यूब जो अभी लिखे थे उसी फार्मूले का हम यूज करेंगे, तो a क्यूब इज इक्वल टू, देखिए पहले वाले का क्यूब, बोलिए बोलते रहिए आप लोग, 9q का क्यूब करेंगे बेटा कितना होगा, हाँ 729 क्यूब, और फिर इसके बाद दूसरे वाले का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे प्लस 3 इंटू पहले का स्क्वायर, तो 9q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81q² इंटू सेकेंड हो जाएगा 2 3a² b प्लस 3ab² ए के जगह पे है 9q 3a² 2 टू का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू ये हो गया 729q³ प्लस ये देखो बेटा ये इसको हम लिखेंगे पहले 3 2 6 और 6 का 81 में मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी 6 का 81 में मल्टीप्लाई करके 486 सही से बताइए जल्दी, हाँ 400 जल्दी बोलो 486 q² ये हो गया। अब इसको करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा ये 3 4 12 और 12 9 180 ये हो जाएगा आपका 108 की जो पूछा जाए तो तुरंत जवाब दीजिए आप प्लस ये है आपका 8 देखिए इसको यहाँ लिखे इसको हम यहाँ लिखे इसको यहाँ लिखे और इसको यहाँ लिखे और फिर a क्यूब इक्वल टू अब इतने में से हम कॉमन ले लेंगे ठीक ना तो 9 कॉमन ले लेंगे फिर देखिए क्या हो जाएगा 81q³ और फिर 9 से इसको डिवाइड कीजिए 54 ये हो जाएगा 54q² सही बताना बेटा फिर 9 से डिवाइड कर दीजिए 108 को 12 होगा 12 क्यू प्लस हो जाएगा ये आपका 8
अब ये हो गया ए क्यूब इज इक्वल टू, ये हो गया 9, इतने के जगह पे रख देंगे m और प्लस हो गया 8। तो आप देखे तीसरा वाला मिल गया आपको। तो अब हम कह सकते हैं यहां से कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वह 9m के फॉर्म का, 9m प्लस 1 के फॉर्म का या 9m प्लस 8 के फॉर्म का होता है। ठीक है, नीचे लिख लीजिए लास्ट में, हैंस नोट कीजिए, हैंस क्यूब ऑफ द, नोट कर लीजिए, हैंस क्यूब ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m कॉमा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, दैट प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार आपका ये जो एक्सरसाइज 1.1 है ये आज कंप्लीट हो रहा है। ठीक ना, और फिर अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग 1.2 कल शुरू करेंगे, और 1.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोगों को एक थ्योरम पढ़ना होगा और वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम आप लोगों को कल बताएंगे, और आपको YouTube चैनल के माध्यम से प्रतिदिन पढ़ने के लिए आप महामना इंस्टीट्यूट के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।